अस्सलाम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक योर चाइल्ड रीड थ्रू फोनिक्स स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो ये एक बहुत ही अच्छी गाइड है जो मैंने आपके लिए बनाई है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसके स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो किया और जिस सीक्वेंस से मैंने बताया आपको, अगर आपने ये 6 स्टेप्स फॉलो किए तो आपके बच्चे को रीडिंग आ जाएगी, गारंटेड। ऑल राइट, नाउ मैं पहले एक दफ़ा ये सारे स्टेप्स आपके सामने पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको ये तमाम रिसोर्सेज यूज़ करके बताऊँगी कि आपने अपने बच्चे को रीडिंग कैसे सिखानी है। मैं आज आपको बताऊँगी कि रट्टे में और फोनेटिक रीडिंग में क्या फ़र्क है, और हम टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे, ग्रिफेम फनेम क्या होता है, कैसे कराना है, ये सब मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में हो जाए। अगर ना हुआ तो मैं एक और वीडियो इसके लिए अलग से बना दूंगी। नाउ प्लीज़ लुक एट दिस, हाउ टू मेक योर चाइल्ड रीड थ्रू फोनिक्स। बच्चे को आप फोनिक्स के जरिए रीडिंग कैसे करा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप नंबर वन, इंट्रोड्यूस स्मॉल लेटर्स विद देयर साउंड। ये स्मॉल लेटर्स हैं जिनको आपने साउंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे कि ए, ब, ख, द, ए। ये फा नहीं है, प्लीज इसको रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन गा। मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है पूरी साउंड्स की, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। उसके बाद स्टेप टू, इंट्रोड्यूस कैपिटल लेटर्स विद देयर नेम्स। अब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको आपने उनके नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे कि हमारे पास ये कैपिटल लेटर्स हैं, इनको आपने जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इनको नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके लिए जो हम रवायती गाने नहीं गाते, ए बी सी डी, वो आपने इस स्टेप पर करवाना है। स्टेप नंबर थ्री, इंट्रोड्यूस सी बी सी वर्ड्स एट फैमिलीज। अब ये होते हैं जी सी बी सी वर्ड्स जिसमें 3 लेटर्स होते हैं। सी बी सी का क्या मतलब होता है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, यानी कि यहाँ पे बच्चा कॉन्सोनेंट लिखेगा, जैसे कि ये हमारे पास है ब, ब एट बैट, ख एट खैट, फ एट फैट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉल, एंड सी फॉर कॉन्सोनेंट, जिसको हम वॉवल भी बोलते हैं, दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सी बी सी। आपने सी बी सी लिस्ट में आपसे शेयर कर दूंगी, उसमें तमाम सी बी सी वर्ड्स हैं। बच्चे को इससे रीडिंग बहुत आसान लगती है। इसको हम एट फैमिली बोलते हैं, जैसे यहाँ पे यू एन अन लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फैमिली हो गई, अन फैमिली, बा अन बन, फ अन फन, फ अन फन, इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डायग्राफ्स। डायग्राफ्स होते हैं 2 लेटर्स मेक वन साउंड, जैसे ये दोनों 2 लेटर्स हैं, इनको मैं ज्वाइन करूंगी तो इसकी एक साउंड होगी। इसके लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, जैसे एक्ट एक्ट है ना, तो आपने इसके लिए रोबोट आर्म्स एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे एक्ट एट एक्ट एट, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा ये ब्लेंडिंग और सेगमेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे, जिनको उर्दू में हम तोड़ और जोड़ कहते हैं। जैसे मसवतों से हम दोस्ती कराते हैं, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, आ उ ई ए, इस तरह से इंग्लिश में जो वॉल्स हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, 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 उनसे दोस्ती करानी होती है, वो हम डायग्राफ्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन 2 लेटर्स मेक वन साउंड, और आपने बच्चे को बताना है कि हम डायग्राफ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को कहते हैं आई एम द लेटर ए ए ए एंड आई मेक ए साउंड, आई एम द लेटर बी 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 एंड आई मेक ब साउंड, टुगेदर वी मेक एप साउंड। ये हो गए हमारे डायग्राफ्स। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे, सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग। ये वो स्टेप है जहाँ पे हम तोड़ जोड़ करते हैं। ये सारे मेरे पास काफ़ी सारे डायग्राफ्स और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, जिनकी मैं अलहदा अलहदा हर एक साउंड आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगी कि बच्चे को कैसे करानी है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेगमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे ऐसे तोड़ के अलहदा कर देना, ये जोड़ तोड़ है। जैसे अनार, अलिफ नून अलिफ रे, ये सेगमेंटिंग है। अब इनको जोड़ दो, इनको ब्लेंड करो, इनको सबको एक जगह डाल के ग्राइंडर में, जैसे हम ब्लेंड कर देते हैं, इनको मिक्स करो, अलिफ प्लस नून अलिफ रे, तो क्या बन जाता है, अनार। जब हम जोड़ बच्चे को देंगे ना तो वो हमारी ब्लेंडिंग है, जब हम उसको तोड़ देंगे तो हमारी सेगमेंटिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है डॉल्च लिस्ट। डॉल्च लिस्ट वर्ड्स आपने सुना होगा, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, 100 साइट वर्ड्स, डॉल्च लिस्ट, फ्राई लिस्ट, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो कि हमारी लैंग्वेज का 90% बनाते हैं। डॉल्च एक हमारे एम्बेसडर थे रीडिंग के, जिन्होंने रीडिंग के जो जो डी कोड नहीं हो सकते वर्ड्स, जिसकी फनेटिक डी कोडिंग अवेलेबल नहीं है, या बहुत ट्रिकी वर्ड्स हैं जो बच्चे डी कोड नहीं कर सकते,
उनके लिए उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जो कि आपके बच्चे के एज के मुताबिक है। अच्छा, आपने रीडिंग को ये नहीं कहना कि प्ले ग्रुप की रीडिंग है, नर्सरी की रीडिंग इस तरह नहीं होती, रीडिंग स्टेप वाइज होती है। अगर आपका बच्चा 10 साल का भी और फोनिक्स से नहीं पढ़ता तो वो स्टेप वन से शुरू करेगा, फिर स्टेप टू पे जाएगा। अच्छा, अब इसको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड का मतलब है फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बार बार इस्तेमाल करते हैं, द, डैट, वेयर, देयर, देम, अप, अबव, अपॉन, वो भी मैं आपसे पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगी। बल्कि मैंने एक पूरा सेशन बनाया हुआ रीडिंग में विद स्ट्रैटेजीज, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप वो देखिए और इस पर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।